हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, यहां के लोकप्रिय विधायक और हरियाणा की विधानसभा में स्पीकर सम्माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सब लोग उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ इस रोड शो में शामिल हुए। आप सब लोगों ने जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद मेरे यहां आगमन पर जो मेरा अभिनंदन और स्वागत किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभिनंदन है मध्य प्रदेश के लोगों का, ये अभिनंदन है छत्तीसगढ़ के लोगों का, और ये अभिनंदन है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का। इसलिए मित्रों, ये जो ऊर्जा उत्साह आप सबके मन में है, ये इसलिए है क्योंकि आप सब लोग देश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपकी दिलचस्पी है, आपकी मन की इच्छा है, और उसके लिए आपने सघन साधन भारतीय जनता पार्टी को चुना है, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मनोहर सरकार, तो ये बात एक विचार से जुड़ी हुई है, एक विचार से जुड़ी हुई है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठक, जिन्होंने अपना जीवन इस विचारधारा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी शख्सियत आज हम सबको उत्साह देती है जब हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे हमें वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और हमें गर्व और गौरव इस बात का होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इससे भी हमें उन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। भारत की राजनीति की संस्कृति जात पर, पात पर, अगड़ा पिछड़ा, पहाड़ी इलाके का, मैदानी इलाके का, देश को विभाजित करने वाली राजनीति चलती रही लंबे समय तक। धर्म को धर्म से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति चलती रही। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को नया राजनीतिक संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और भारत आगे बढ़ेगा, इस मंत्र को लेकर। और इसीलिए उनका दुनिया में डंका तो बजा ही, लेकिन उन्होंने भारत को जितना मजबूत पिछले 10 सालों में किया है, वह एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है, उसको भी हम। दुनिया का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसने मोदी जी की प्रशंसा नहीं की हो। दुनिया
ऐसा कोई देश नहीं है जिसने भारत का अभिवादन और अभिनंदन न किया हो। तो हम दुनिया में तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन हमने देश को भी मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत किया। आज गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारा दलित भाई, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी महिलाएं, सबको अगर ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों ने और कार्यक्रमों ने ताकत दी। और कल चाइना का ग्लोबल टाइम्स, चाइना का सबसे मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि देखने वाली बात है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ये मोदी जी की प्रशंसा है। उन्होंने लिखा है कि भारत पहले बैलेंस करता था, बैलेंस, कोई ये नाराज ना हो, वो नाराज ना हो, ये ना हो, वो ना हो, आज भारत अलाइनमेंट सेट करता है और भारत के इंटरेस्ट के अनुसार काम करता है। आज सामाजिक न्याय और विकास, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चले, और इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, कोई भी आप स्कीम उठा करके देखेंगे, स्वनिधि योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, सारे समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री। और आज भारत की गरीबी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ये बता रहा है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, यह भारत की स्थिति आ गई। आज भारत ये बता रहा है कि हमारे यहाँ अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, यह हमारी स्थिति। हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 5वीं नंबर की, और 2024 में, और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार, और 27 में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा, इसके लिए हम काम। मित्रों, इसके साथ साथ यह हमारी खुशनसीबी है कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में मोदी जी की नीतियों को अक्षरशः नीचे तक लागू किया जा रहा है। हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, इसका प्रयास चल रहा है। और आपने इस प्रयास को पूरा करने के लिए 100% सैचुरेशन, कोई आवास से वंचित ना रह जाए, कोई अन्न से वंचित ना रह जाए, कोई विकास से वंचित ना रह जाए, कोई हेल्थ कार्ड से वंचित ना रह जाए, कोई स्वास्थ्य की जांच से पीछे ना रह जाए, किसी गांव में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का उसको स्वामित्व मिल जाए, कोई व्यक्ति अगर विश्वकर्मा समाज से जुड़ा है तो उसको उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए उसको आर्थिक लाभ मिल जाए, ये सारी नीतियों को जमीन पर उतारने का काम आज मनोहर जी की सरकार कर रही है। केरोसिन, आज अगर हरियाणा को केरोसिन फ्री किया गया तो गरीबी मुक्त भी किया गया, इसको ये समझना चाहिए। और इसीलिए, और मैं कहना चाहूंगा, जो परिवार पहचान पत्र है उसने हरियाणा के कार्यशैली को
मूल चूल परिवर्तन कर दिया है, ये भी हमको समझना। अब आज आपको अपनी सुविधाओं के लिए सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आपको पोर्टल पर सिर्फ अपना नाम, परिवार पत्र और जिम्मेवारी और आपकी आवश्यकता, इस बात को आपको डालना पड़ेगा। सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और काम करेगी इस तरीके का काम। मनोहर जी की कोशिश क्या है कि कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह जाए। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप देखो कि आपके इलाके में, मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गांव में, आपकी पंचायत में कोई भी पीछे न रह जाए, इसकी हमको चिंता करनी। मित्रों, इसलिए अब आप बताओ, हरियाणा के 10 नंबर, 10 बटा 10 बटा 10 बटा एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मोदी जी का संदेश लेके आया हूँ। बोलो अगली बार। मित्रों, हमको फिर से प्रधानमंत्री जी को लाना है, देश को मजबूत बनाना है, स्थिर बनाना है और विकसित भारत को अपनी आंखों के सामने होता देखना है। इसके लिए हमको काम करना है पूरी ताकत। बोलिए, आप हरियाणा की सरकार को मजबूत रखेंगे ना, और आप दिल्ली में 10 बटा 10 बटा 10 बटा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।